कुसुम, ए कुसुम, अरे जल्दी करा भाई, देरी हुआ था। इली, खाना खाए, जरा सा देरी का हो जाला रहुआ एकदम आसमान सर पे उठा ले ली। देरी हुई तो कमाई कम हो जाए, और कमाई कम हुई तो हमारे रानी के भूखे पेट सोए के पड़े। हम रहुआ के साथ भूखे पेट भी रह जाए। तू तो भूखे रह जेबा, बाकी ये राजा बाबू इकरा के हम कैसे भूखे रख सकता नहीं। चले अब खाना खाए। रुकी यानी बाबू से पूछल जा, भूख लागल बा? हाँ। अरे अब फटाफट काम पे निकले। जाता नहीं जाता नहीं, बाप बेटा में बात होला तो तहरा बड़ा जलन होला। अब रहुआ के देर नहीं की हो, खाना खाइए जल्दी जल्दी निकले। हाँ ठीक है, जाता नहीं। और हाँ दरवाजा बंद रखी है और अच्छे से रही है। ठीक बा। अरे रवा खाना भुला के जाता नहीं। अरे तू ही लेते आई है दुपहरिया के, संगे खाए। ठीक बा। अरे ललन भाई आवा आवा, ये जाड़ा में चाय का मजा ले ले। ओहो, अरे वाह, क्या बात है राम मदन भाई, आज भोरे भोरे बड़ा खर्चा कर रहे हो। कैला जाला कमो कबो। अच्छा अच्छा, ए भाई और... चाय पिलावा लल्लन जी को। पिलावता नहीं। हाँ, और रमेश का हाल चाल? एकदम ठीक बा, ठीक बा। ला ला हमार वाला चाय लाओ, थोड़ा बढ़िया अदरक मार के। हो रहा है भाई? ये ली भैया चाय पी। हाँ हाँ हाँ, और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया बा, बढ़िया। क्या है भाई? कोई अगर अपना जगह से हिलना था गर्दन काट के रख दे। हेलो, यस सर। अचानक दो को आए खराब। आइए सर, सर मर चुका है। दो नकाबपोशी आए थे, उड़ाते इस पर टूट पड़े सर। सर साल भर से चाय और पकौड़े की दुकान चला रहा है, इसी का नाम रमेश है सर। इसकी पत्नी है कुसुम, खबर कर दी है सर, आती ही होगी। कातिल सब कुछ लूट के ले गए? नहीं सर, रुपया पैसा अंगूठी सब ऐसा ही है सर। पांडे सर, वो देखिए। सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिलों ने इसका अंगूठा क्यों काटा है।
इसका जवाब तो कातिल ही दे सकता। कातिल को पकड़ने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया? सर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है, गाड़ी बस होटल सभी की चेकिंग हो रही है सर। अभी तक वो कातिल यहाँ से बहुत दूर नहीं गया होगा। आप एक एक बस से एक गाड़ी और एक एक होटल को छान मारी है। ओके सर। मुझे ये अंगूठा काटने वाला कातिल चाहिए। पांडे यस सर। प्रकाश सर ये रमेश के बारे में यहाँ के लोगों से जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो करो। ओके लेट्स बी फास्ट कम ऑन कम ऑन। इरोवा के का हो गया? ये कैसे हो गया इरोवा के? खोली ना आ खोली का हो गया इरोवा के? आ खोली ना का हो गया इरोवा के? आ खोली ना। कौन है ये? सर इसकी वाइफ है कुसुम। उठी ना उठी ना। शालिनी इसे संभालो। यस सर। चुप हो जाओ, हमें बताओ इनकी हत्या किसने की है? हमरा के कुछ नहीं के पता, इनके हाल कैसे होंगे? हमरा के कुछ नहीं के। संभालो अपने आप को संभालो। चलनी इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। एक काम करो, इस सारे एरिया को सील करो और सबके ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लेंगे। मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। ओके ओके सर। अजीब बात है, एक नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान चलाने वाले की क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन पुरजोर नाकाबंदी और तलाशी के बावजूद हम अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ पाए हैं। पांडे ये अगर जल्द पकड़ने आने वाले अपराधी होते तो ये केस हमें क्यों मिलता? राइट सर। हाँ शालिनी बोलो। हाँ सर कुसुम को होश आ गया है। कैसी है वो? सर वो ठीक है, अभी घर पे आराम कर रही है। अच्छा ठीक है तो वही रहो, हम आ रहे हैं। ओके सर। पांडे यस सर। कुसुम को होश आ गया। गुड, हमें वहीं चलना होगा। ओके सर कम ऑन मूव फास्ट। आप रमेश लाल के मर्डर के बारे में जो भी जानती हैं हमें बताइए। जनती साहेब हमने तो मेहनत मजदूरी करके कमाई खाए वाला आदमी रहे, हमने दोनों जनी के एगो सपना रहे, हमने के शहर में एगो नई जिंदगी का शुरुआत कर जाए, लेकिन लेकिन जिंदगी शुरुआत हो गई तो पहले ही खत्म हो गए साहेब, खत्म हो गए, खत्म हो गए। देखिए रोइए मत, आपके परिवार में और कौन कौन है? क्यों नहीं के? सब संसार उजड़ गए, अब हम किकरम हो रोज जी। अब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी गोरखपुर, हमारे गांव बेलाघाट और इनकरा के गांव सिसामिया। आपको किसी पर शक? मेरा मतलब है किसी से पुरानी दुश्मनी? ना साहेब, हमरा के केहू पे शक नहीं के, हमार केहू दुश्मन नहीं के साहेब। अब तो सब संसार ही उजड़ गए, क्यों से दुश्मनी नहीं के साहेब, क्यों से दुश्मनी नहीं के, हमरा के क्यों पे शक नहीं के साहेब, क्यों पे शक नहीं के साहेब। शालिनी सर पानी लेके क्विक क्विक।
लो पानी, लो पानी पियो। शालिनी। जी सर। तुम इनका ख्याल। ओके सर। आराम कर लो। रमेश लाल के पड़ोसियों से कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया है। वो एक साल से वहां रहता था, लेकिन आसपास के लोगों से ज्यादा गुला मिला नहीं था। हमेशा गुमसुम सा रहता था। रमेश और कुसुम के मोबाइल से जो नंबर्स मिले हैं उनकी जांच करवाई? हाँ सर, रमेश और कुसुम के मोबाइल्स पे उन दोनों के नंबर्स हैं और कुछ अननोन नंबर्स हैं जिनकी जांच चल रही है। ओके सर, ये रमेश लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या कहती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कुछ खास? नो सर, इसमें कटी हुई अंगुली के सिवा और कुछ भी नहीं है। और कुछ? नो सर। है जो तुमने नोटिस नहीं किया? खास है वो हथियार जिससे रमेश का खून हुआ है, उसमें जंग लगा हुआ था और उसकी धार दांतेदार थी। क्या कहते हैं वो जिसे धान काटते? वो सर हसिया। हाँ हसिया, हसिया, यू राइट। मगर सर एक बात ये समझ में नहीं आती कि आज के जमाने में कोई किसी को हसिया से क्यों मारेगा, और वो भी जंग लगी हुई। यही तो पता करना है। तो हाँ जय आओ, कुछ पता चला? सर मैंने पता किया है कि रमेश लाल गोरखपुर के कई मामलों का नामजद आरोपी है, और सबसे बड़ी बात कि उसका असली नाम रमेश लाल नहीं बल्कि शमशेर। सर आपको कैसे पता चला? उसी दिन पता चल गया था जिस दिन हम लोग पूछताछ के लिए गए थे, जब कुसुम बेहोश हुई। लो पानी, लो पानी पियो। जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी गांव की औरत अपने पति के अलावा किसी दूसरे नाम को अपने हाथ पर नहीं गुदवाई। इसीलिए मैंने जैसे कहा था कि वो रमेश के गांव पे जाके वहां के थाने में जाके पूछताछ करे और शमशेर के बारे में जानकारी इकट्ठा करे। तो, लेकिन वहां थाने में सिर्फ एक ही हवलदार, इससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन इतना पता चला है सर कि रमेश लाल और शमशेर अपने केसेस के सिलसिले में लखनऊ कई बार आता जाता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके खिलाफ वो केस लड़ रहा था कहीं उन लोगों में से किसी ने? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर जो केसेस हैं वो मामूली चोरी और छिनतई के हैं। अब इस मामूली से केसेस के लिए कोई वहां से आके इसकी मर्डर कर दे। जय प्रकाश सर, तुम दोनों रमेश उर्फ शमशेर के बारे में जांच करते रहो सर, और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मुझे बता। सर सर कुसुम, ये शमशेर अपना नाम बदल कर क्यों रह रहा है? हमरा के शादी के पहले वो गलत संगत में रहना, उनके नाम के साथ साथ उनका पुरान जिंदगी जुड़ल रहे। जब हमने के शहर में आई तब हमने के नाम के साथ साथ नई जिंदगी का शुरुआत कर ली।
शमशेर पे कई मुकदमे चल रहे थे, ये बात आपको मालूम थी? हाँ, लेकिन वो सब मुकदमा हमारे ब्याह के पहले रहे, ब्याह के बाद वो एकदम सुधर गए रहने। कोई पुरानी दुश्मनी? हम कितनी बार कह ली साहब, हमरा के कुछ नहीं के पता, कहाँ है वो हमरा के परेशान करता है। तुम्हें शमशेर को मारने वाले उसका अंगूठा काट करके क्यों लेगा? उसका गला जंग लगे हंसी से क्यों काटा? बोलो, बताओ। हमरा के कुछ नहीं के पता, कुछ नहीं के पता, हमरा के कुछ नहीं के पता। देखो, तुम हमारा साथ दोगी, हम तुम्हारे पति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। हमरा के केहू के सजा नहीं की दिलावे, केहू के सजा नहीं के, बस रउवा लोग यहाँ से जाई, रउवा लोग हमरा के हमरे हाल पे छोड़ दी, केहू के सजा नहीं की दिलावे की हमरा के छोड़ दी हमरा के। ठीक है आप शांत हो जाइए, शांत, हम बाद में आएंगे। ये कुसुम जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। सर, बड़ी अजीब सी बात है, अगर ये अपने पति के कातिलों को जानती है तो ये बताती क्यों नहीं? मालूम नहीं, लेकिन हम इसके साथ सख्ती भी तो नहीं कर सकते। सर, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। What? या सर, आपने देखा जब आपने उससे कटे अंगूठे और हसिया वाली बात कही तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। हाँ हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। पांडे, यस सर, आप एक काम कीजिए, इस घर के बाहर एक हवलदार की ड्यूटी लगा दीजिए। कुसुम अगर कातिलों को जानती है तो वो इसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइट सर। क्या? यस सर। 2 साल के बाद पवन जब जेल से जमानत पर रिहा हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। बड़ी अजीब सी बात है, एक आदमी कत्ल करे और पुलिस उसे कोर्ट में पेश करे और 2 साल बाद जब वो जमानत पर बाहर आए खुदकुशी कर ले। लेकिन यही सच है सर, पवन जो कुसुम का भाई था उसने शमशेर के पिता का कत्ल कर दिया था और 2 साल के बाद जब वो जमानत पर रिहा हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली थी सर। लेकिन सर, उसने अपने बहन के ससुर की हत्या क्यों की? इसका जवाब तो कुसुम ही दे सकती, मगर खुदकुशी की वजह कुछ और भी तो हो सकती है। और कोई वजह नहीं है सर, अब कुसुम ही हमें इन सारे सवालों का जवाब देगी। चलो। हेलो, हम हैं। हम के भूला गैलू ये आवाज, वो हरामी इतना सुख दिलास कि हमार आवाज भूला गैलू, हम तहार हाल चाल पूछे खातिर फोन नहीं कैले। ये सब काहे भइल तू बढ़िया से जाने लू, अभी किस्सा खत्म भइल। खत्म करे के चाहे लू ना? आए? ना। हाँ तो बस चुपचाप रहा, केहू के कुछ बोले के जरूरत नहीं है, ना तो तुहार वही हाल करब जानू कुकुर के कहनी है। पूछ गेलू? हेलो हेलो, हाँ
चुपचाप रहा। गेहूं के कुछ बोलने की जरूरत नहीं थे, ना तो तुहार वही हाल कर कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। ये कुसुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सर शायद सो गई होगी। कुसुम 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 तोड़ दो चिटकनी, तोड़ दो।